स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 15.2, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्टून्स ऑफ डायमेंशन 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर नीड्स टू बी अरेंज्ड इन अ ट्रक ऑफ डायमेंशन 2.4 मीटर इंटू 160 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर। हाउ मेनी कार्टून्स कैन बी अरेंज्ड इन द ट्रक। अब डायमेंशन तीनों LBS तीनों दी हुई है, इनकी क्यूबॉइड शेप की है कार्टून, और जिस ट्रक में डालने हैं वो ट्रक भी क्यूबॉइड शेप का है। ये सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसको मीटर में बनाएंगे, कार्टून का वॉल्यूम निकालेंगे, साथ में ट्रक का वॉल्यूम, ट्रक के वॉल्यूम को कार्टून के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्टून आ जाएंगे। सबसे पहले ट्रक का वॉल्यूम निकालेंगे। ट्रक की लेंथ कितनी दी हुई है, 2.4 मीटर, ब्रेथ है 160 सेंटीमीटर, इसके मीटर बनाएंगे 160/100, 1.60 मीटर, हाइट है इसकी 1 मीटर, वॉल्यूम ऑफ ट्रक 2.4 × 1.60 × 1 मीटर। निकाल लीजिए यहां से, 3.84 क्यूबिक मीटर। ये है ट्रक का वॉल्यूम। कार्टून का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, कार्टून की तो तीनों ही डायमेंशन सेंटीमीटर में है, मीटर बनाने के लिए बाय 100 करेंगे, इसके बाय 100, इसके बाय 100 और इसके, तीनों के ही वॉल्यूम ऑफ कार्टून इज इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाई 60/100 मल्टीप्लाई 50/100। एक एक जीरो तो इनके साथ ही कट जाएगी इनकी, 6 5 30, 8 3 24, यानी कि 240/1 2 3 30 है, कितना आ जाएगा 0.240 क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ कार्टून्स इज इक्वल टू 3.840 by 0.240, पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट यहाँ है, 3 के बाद पॉइंट यहाँ, दोनों कट गए, 10 से 10। अब 24 से इसको काटेंगे, 384/24 कितना बचेगा, 38 में से 24 माइनस करेंगे तो 8 − 4 = 4, 3 − 2 = 1, यानी कि 14 बच गया है, 4 मिला के 24 6 = 144, 16 कार्टून रख सकते हैं हम ट्रक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मेटल ब्रिक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबर्टिकल हैज डायमेंशन 24 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 6 मीटर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू अ क्यूब, यानी कि इसको मेल्ट करके क्यूब बनाया जाता है, आप फाइंड द एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज आपको निकालनी है। पहले वॉल्यूम निकालेंगे ब्रिक का, मेटल ब्रिक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्यूबॉडिकल शेप है ये, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 24 × 12 × 6, 12 6 = 72, 24 × 72, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 क्यूबिक मीटर। अगर इसको मेल्ट करके क्यूब बना रहे हैं तो क्यूब का वॉल्यूम भी तो यही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1728 क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 1³, यानी कि साइड या एज होती है उसकी पावर 3, 1728 है तो ए यानी कि एज कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728 का क्यूब रूट होता है 12, ए कितनी आ गया 12, यानी कि एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज एक सर्कुलर बेस ऑफ एरिया 132 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर, फाइंड ए पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, बी में टोटल सरफेस एरिया और सी में वॉल्यूम। अब एक सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर किस टाइप से होगा? इस टाइप से होगा सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका बेस सर्कुलर बेस होगा, यानी कि सर्कल टाइप का बेस है, बेस का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस कितना है 132 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल टाइप का बेस है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 132। आर हमें दिया नहीं, वो निकालना है, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 132। आर स्क्वायर 22/7 की साइड चेंज करेंगे, 7/22 हो जाएगा, तो 22 6 का होता है 132। आर स्क्वायर की वैल्यू 42 है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक, अब 42 का पूरा स्क्वायर रूट निकलता नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, तो 2 इंटू 22/7 आर है स्क्वायर रूट ऑफ 42 और हाइट उसने दी थी हमें 14 सेंटीमीटर, 7 1 7 7 2 14, 22 2 44, 2 88 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 आर है स्केयर रूट ऑफ 42, एच है 14, आर है स्केयर रूट ऑफ 42। अब ये रूट स्केयर 42 है जो, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है अंदर, 22 2 44/7 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होएगा तो 14 इंटू रूट स्केयर 42 प्लस रूट स्केयर 42 इंटू रूट स्केयर 42, आधी पावर इंटू आधी पावर, एक पावर बन जाएगा 42। अब इनमें से कॉमन लो, 14 1 14 और 14 3 42 होता है, तो 3 14 को बाहर ले लो, यहां से 14 बाहर आ जाएगा तो ये रूट 42 अंदर रह जाएगा, और ये क्या होता है 14 3 42 तो 3 रह जाएगा अंदर, 7 1 7 7 2 42 14 सॉरी 42 2 88 इंटू रूट स्केयर 42 प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इस साइड निकाल देती हूँ, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है ये, पाई 22/7 आर है स्केयर रूट 42 इंटू स्केयर रूट 42, एच है 14, तो 7 2 14 22 2 44 इंटू आधी पावर 42 के और आधी पावर 42 की इंटू में 1 पावर बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, 44 2 88 और 44 4 16 1 4 4 16 और 1 70 176 में 8 प्लस कर लो तो 184 आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वेल विद डायमीटर 7 मीटर एंड डेप्थ इज 9.1 मीटर इज डग, यानी कि डायमीटर 7 मीटर दिया हुआ है हमें, इसकी पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, इसका हाफ होती है डायमीटर बाय 7/2 3.5 हो जाएगी इसकी रेडियस, डेप्थ यानी कि हाइट एक ही बात है 9.1 मीटर है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अर्थ डग आउट, यानी कि मिट्टी कितनी मिट्टी बाहर निकालेगी, मिट्टी तो उतनी ही बाहर निकालेंगे जितना वेल का वॉल्यूम होगा, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक इट्स इनर कर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा और उसको प्लास्टर करने का खर्च दिया हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल सिलेंडर टाइप है वेल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास आर है ही नहीं, पहले आर निकालो, आर होएगा डायमीटर बाय 2 यानी कि 7/2 3.5 मीटर। अब वॉल्यूम का एरिया,
वॉल्यूम ऑफ वेल निकालो, पाई है 22/7, आर मेरे पास 3.5 है और एच 9.1, तो 7 1 7 7 3 21, मल्टीप्लाई करो 22 × 1.3 × 3.5 × 3.5, इन सभी की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 350.35 आ जाएगा, 350.35 मीटर में है तो क्यूबिक मीटर, ये आ गया इसका वॉल्यूम। आप कहोगे टू के बाद ही पॉइंट है, 1 2 3 के बाद आना था, लास्ट में एक जीरो आएगी, वो जीरो तो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2 × 22/7 × आर है 3.5 × एच है हमारे पास 9.1, 7 1 7 7 3 21, 22 2 44 × 3.5 × 1.3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ जी इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 200.20 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट निकालनी है प्लास्टरिंग की, रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी आ जाएगी, प्लास्टरिंग 200.20 मल्टीप्लाई 10, 200.20 आ जाएगा और 1 2 के बाद पॉइंट है तो 2002 रुपीज कॉस्ट आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, द वॉल्यूम ऑफ 5.6 मीटर लॉन्ग एल्युमिनियम रोड इज 158.4 क्यूबिक मीटर, यानी कि रोड किस टाइप की है, सिलेंडर टाइप की है, ये लॉन्ग दी हुई है, इसका मतलब ये उसकी हाइट है। फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस निकालनी है। देखो रोड इस टाइप से होगी, इस टाइप से ये बेस है इसका, ये इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, ये हाइट उसने दी हुई है 5.6 मीटर, ठीक। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है हमें 158.4, पाई 22/7, आर हमारे पास है नहीं, एच कितना है हमारे पास 5.6 मीटर, ये उधर ले जाओ, सिर्फ आर स्क्वायर को इधर लिखेंगे, 7 1 7 7 8 56.8 आ गया, 22 8 जा कितना होता है 176 होता है, तो 17.6, 158.4 = r² 158.4, ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आओ 17.6, एक के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद पॉइंट यहाँ कट गया, काट लो इसको, 22 8 जा 176 और 22 7 जा 154 होता है और 22 2 जा 44, 8 9 जा 72, आर स्केयर इज इक्वल टू 9, आर क्या आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 मीटर, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, बेस सर्कुलर है तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, 2 × 22/7 × r है हमारे पास 3, तो 22 2 जा 44 × 3/7, 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 और 1 13/7, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 6 बच गए, 7 9 जा 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 जा 56, फिर 6 बच गया तो 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया तो 7 7 जा 49, हमें तो 2 के बाद ही चाहिए ज्यादा हमें निकालना। अब मैंने बताया था थर्ड वाले नंबर पे अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें 1 प्लस कर लेते हैं, 18.86 मीटर क्या आ जाएगी इसकी सर्कमफ्रेंस। नाउ यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17 18 19 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग हरियाणा, थैंक यू, हैव अ नाइस।